हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करते हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ कैश विड्रॉल करके दिखाऊंगा। मैं अपने नज़दीक के किसी एटीएम मशीन पर जाऊंगा और वहां पर अपना डेबिट कार्ड का यूज़ करके, यानी एटीएम कार्ड का यूज़ करके लाइव प्रूफ कैश विड्रॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए मैं अपने नज़दीक के किसी एटीएम मशीन पर ले जा करके कैश विड्रॉ करके लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं अपने नज़दीक के एटीएम मशीन पर आ चुका हूँ। देखो, ये एसबीआई का एटीएम मशीन है। आप चाहो तो पीएनबी का या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन पर भी जा सकते हो। फिर आपको करना क्या है, एटीएम मशीन के अंदर जाने के बाद, यानी एटीएम मशीन के पास जाने के बाद, आपको अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड निकालना है। फिर एटीएम कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़ना है, ओके, चिप जो है ऊपर की तरफ और आगे की साइड होना चाहिए, और फिर इसके अंदर इंसर्ट करना है, यानी कि डाल देना है कुछ इस तरह से। एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये प्रोसेसिंग वगैरह लेगा, तब तक आपको वेट कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो, एटीएम मशीन के स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, योर ट्रांजेक्शन इज गेटिंग प्रोसीड, डू नॉट रिमूव योर कार्ड, यानी कि आपको अपने कार्ड को निकालना नहीं है। किसी किसी एटीएम में ये निकालना होता है, तो आप अपने एटीएम के हिसाब से पढ़ करके आगे का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो। तो उसके बाद देखो, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद, प्लीज चूज बैंकिंग फॉर कैश विड्रॉवल, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको कैश विड्रॉवल करना है तो बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। वैसे बाकी के ऑप्शन की बात करें तो सर्विस, मिनी स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन, क्विक कैश, पिन जनरेशन, ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और यहाँ पर है बैंकिंग। तो आपको क्या करना है, बैंकिंग वाले बटन को एक बार प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, इंग्लिश या हिंदी, तो सिंपली मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 and 99, फॉर एग्जाम्पल 25, यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में कोई सा भी एक नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। मैं 66 इंटर किया हूँ। यस करोगे तो 66 स्क्रीन पर दिखेगा, नो करोगे तो नहीं दिखेगा। मैं यस कर देता हूँ, ओके। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। फिर यहाँ पर प्लीज इंटर योर पिन, अब आपको अपना एटीएम कार्ड का 4 डिजिट का पिन इंटर कर देना है, जैसे 2022, 2023, 2024, यानी कि 4 डिजिट का एटीएम पिन नंबर होता है, वही आपको एटीएम पिन का नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। मैं 4 डिजिट का एटीएम पिन नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे डिपॉजिट, ट्रांसफर, पिन चेंज, अदर्स, और फिर राइट साइड में फास्ट कैश, कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। तो मैं कैश विड्रॉवल वाले बटन को एक बार क्लिक करूंगा। कुछ इस तरह से आपको कैश विड्रॉवल पर प्रेस कर देना है, ओके। फिर यहाँ पर अकाउंट पूछेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो सभी का सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जितने रुपए विड्रॉ करने हैं, यानी जितने रुपए आपको एटीएम मशीन से निकालना है, उतना रुपया यहाँ पर इंटर कर देना है। मान लो कि मुझे 1000 रुपये निकालने हैं, तो मैं 1000 रुपये यहाँ पर इंटर करूँगा, फिर यहाँ पर यस कर दूंगा, ओके। चलो यस करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज वेट। और फाइनली यहाँ पर मेरे 1000 रुपये निकल चुके हैं, यानी कि विड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यू कैन रिमूव योर कार्ड। अगर आप अपने कार्ड को रिमूव करना चाहते हो तो यस करो, और रिमूव नहीं करना चाहते हो तो नो करो। मैं अभी कार्ड को निकालना चाहता हूँ, तो यस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपको नो क्लिक करना है तो नो क्लिक करके दोबारा से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। मैं फिलहाल एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से बाहर निकालूंगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको अपना अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि एटीएम मशीन में पैसे निकालने के बाद कितने रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी बचे हुए हैं, वो यहाँ पर बैलेंस देखने को मिलेगा। कोई कोई एटीएम में ये देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।